गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पे, और ये है लास्ट डेस्टिनेशन हमारा जो हम कई बार सोच के। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो केविन के डैडी कल आए थे, अचानक कल वाली वीडियो में देखा होगा। मैं कुछ दिन पहले आई थी, तो फिर वो उन्होंने बताया नहीं, तो ऐसे करते हो हमें ऐसा कहीं भी रहते हो सरप्राइज ही देते हैं। तो आज हमारा प्लान है कि हम जा रहे थे ना कि क्योंकि आपने देखा होगा मेरे गाल क्या है कि रेड रेड हो रहे हैं ना, तो इसकी दवाई लेने जा रहे हैं। ऊपर एक ताऊ जी है डांडा, वहाँ का नाम है डांडा, तो सराना के ऊपर गांव है जो डांडा, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ पे ताऊ जी है कोई, तो वो जानते हैं जड़ी बूटी, तो मैंने सब इलाज करके देखा। मैंने कहा एक बार ताऊ जी का कहना, सब कह रहे कि वहाँ पे जाओ वहाँ पे ठीक है। पर हमने सुबह ताऊ जी को फ़ोन किया था, हमने थोड़ा लेट कर दिया था फ़ोन, सुबह करना था ना, तो हमने थोड़ा देर में किया। तो ताऊ जी ने कहा अरे थोड़ा पहले करता, मैं घर ही में था कि मैं कहीं निकल गया, तो चलो फिर चलते हैं देखते हैं, नहीं होगा तो ताऊ जी ने बोला कि कल सुबह मैं बना के रखूँगा दवाई, आप सिर्फ लेने आना। चलो फिर चलते हैं देखते हैं, जैसा भी हो। तो हमारा ऊपर एक डांडा गाँव है, डांडा है वहाँ से, ये कह रहे निकी और सोनाली भी आ रहे हमारे साथ, तो ये कह रहे कि वो वहाँ से अच्छा व्यू है। तो मैंने कहा आप लोगों को वहाँ से अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, आप लोग भी बने रहे वीडियो में। तो ये है हमारा गांव जो कि मैंने कहीं वीडियो में बता रखा है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काम चल रहा है, ये रेलवे का काम चल रहा है यहाँ पे, जो कि ऋषिकेश से लिखित में तो वैसे कर्णप्रयाग है, पर मेन गांव हमारा है सिवाई गांव। तो सिवाई गांव में जो ऋषिकेश से लास्ट स्टेशन बन रहा है वो है हमारा गाँव सिवाई में बन रहा है, जो रेलवे का कार्य चल रहा है। तो आगे भी बने रहे, मैं दिखाती रहूँगी यहाँ की वीडियो और यहाँ के बारे में भी। और कई लोगों का जवाब रहता आपका मायका कहाँ है, आपका मायका कहाँ है, तो मेरा मायका है सिवाई गांव चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो गांव के बीच में जहाँ पर पहले सेरा होता था, तो आज तो सेरा नहीं है, ऐसी हो गई है यहाँ की ज़मीनें। तो यहाँ पे जो एक ढाबा है वो है सेरे का ढाबा, मतलब जो छोटा भाई हमारा उनका नाम है सेरी, तो सभी बोलते हैं कि सेरी का ढाबा। तो हम दिखाते हैं आपको, जब भी कोई सिवाई गांव में आएंगे तो मेरे भाई की दुकान में जरूर आना है ना। हाँ, तो यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है, चाउमीन मोमोज जो भी है। मुझे भी दो है कुछ ठंडा ठंडा भी रखियो। अच्छा समोसा, अच्छा समोसा भी बन रहे, तैयारी ना। तो बहुत अच्छी चलती है भाई की दुकान यहाँ पे। हेलो भैया। हेलो हेलो। भाई की दुकान से मैंने थोड़ा बहुत रास्ते के लिए सामान भी रख लिया है, आइए मेरे लिए रुके। यहाँ पे ढंगडर स्कूल, पहले हमने हाई स्कूल यहीं से किया है, सुशीला देवी इंटर कॉलेज सिवाई। हाँ, मैंने भी यहीं पढ़ा था, इसने भी यहीं पढ़ा। हाँ, इसने भी यहीं पढ़ा है, और स्कूल को देख के ना अपने बचपन की याद आती है। तो 9th और 10th क्लास हमने यहीं से किया है। और देखो भाई मेरी जो मेरी फ्रेंड हैं उनको अपनी स्कूल की यादें ताजे हो गए होंगे ना। और अभी मैं पहुंच चुकी हूं पनाई गांव के नीचे, ये है सामने पनाई गांव, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये पनाई गांव है यहां पे, और पनाई गांव से निकाल रही हूं मैं व्यू अपने गांव का। तो जो ये ऊपर वाला गांव है ये मल्या सिवाई है, ये हमारा गांव है पूरा ही है। अरे इस साइड ये मूल्या सिवाई है, मतलब ये पूरा ही हमारा ही गांव है, ये मूल्या सिवाई है। मूल्या सिवाई यहां से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, और मल्या सिवाई पूरा दिख रहा है यहां से। तो जो ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ये नीला नीला टिन टाइप का भी दिख रहा है जो ये है। तो जो यहाँ से नीचे है, जो ये नीला नीला लाइन पे लगी है टीने, तो उससे नीचे वाली ज़मीन सब रेलवे में चली गई है, और जो उसके ऊपर जो खेती दिख रही है वही बच रखी है बस। और हमने जाना है, ये है सरणा गांव, और सरणा गांव इस चोटी के पीछे है सरणा गांव, और इससे भी ऊपर हमने यहाँ ऊपर जाना है टॉप में, यहाँ का नाम है डांडा। तो यहाँ से भी मैंने गांव का लोकेशन दिखाऊंगी, नज़ारा दिखाऊंगी। तो इस वाली चोटी पे जाना है हमने, यहाँ का नाम है डांडा। तो यहाँ से और ही गजब लगता है यहाँ का नज़ारा, और ये है पूरा पनाई गाँव।
तो यहाँ पर ये है मेरी फ्रेंड इंदू का घर भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर का नाम है कनरा धारा वाला पुल, पहले पुल नहीं था, जब से रोड आई यहाँ पे पुल बन गया है। तो ये है कनरा धारा बोलते हैं हमारे यहाँ, मंगरू जिसको बोलते हैं, और इस जगह का नाम पूरा कनरा धारा है, कनरा गदरा ऐसे बोलते हैं। तो ये है हमारे गांव का गदेरा, पहले हम छोटे छोटे में यहीं नहाने आते थे, और अब पता नहीं इस गदेरे में पानी कहाँ गया। पहले इतना पानी रहता था ना गर्मियों में, तो हमारी छोटी छोटी खाइयाँ बनाते थे और गर्मी में हम यहीं रहते थे। उस ज़माने में ना फ़ोन था ना कुछ था, कितना अच्छा रहता था। थोड़ा नहाते थे, फिर जो ये पत्थर है बड़े बड़े पत्थरों में फिर लेट जाते थे, और जैसे ही गर्मी होती थी फिर खाई में मतलब खाली मतलब तालाब जैसे बनाते थे और उसमें नहाते थे दिन भर। तो कितना इंजॉय था यार पहले, और अब तो यहाँ पानी नहीं है और वहाँ पर मेरे लिए वेट कर रहे हैं। चलो 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 चलो। तो अब पहुँचे हम सरणा के रास्ते पे, ये है यहाँ से सरणा का रास्ता। और इससे पहले मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी, सामने दिख रहा होगा पनाई गांव। तो यहाँ से मैंने आप लोगों का अपने गांव का व्यू दिखाया, जो इस वाली जो ये नीली मकान है इससे नीचे वाली रोड से मैंने अपने गांव का नज़ारा दिखाया वहाँ से। और अब दिखाऊंगी मैं सरणा के रास्ते से अपने गांव का नज़ारा। तो यहां से तो गांव नहीं दिख रहा, पर यहां से मूल्य गांव दिख रहा है, वो भी हमारा ही गांव है। ये देखो, ये तो ये है मूल्य गांव, और मूल्य गांव का नज़ारा सरणा गांव के रास्ते से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और यहां से ये है मठणा गाँव, और ये है सिरोई उमट्टा, जहाँ पर मेरी एक फ्रेंड रहती है प्रीति डिमरी, रंजना, बहुत सारी फ्रेंड है। और ऊपर है बरसाई, वहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है सुमन। और यह है कालेश्वर, यह है यहाँ पे कालेश्वर, और ये है यहाँ पे दरतोई। पहले यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा खेती थी, हमारे यहाँ बहुत सुंदर अनाज होते थे, मतलब अनाज होता था। तो यहाँ पे यहाँ का नाम दरतोई था, अब तो यहाँ पर रेलवे का पूरा, तो यहाँ पर ये पूरी डीवेल कंपनियों ने ले रखा है और डीवेल कंपनियों का काम चल रहा है। और यहाँ पर एक सुंदर सा पुल भी बन रखा है, ये देख सकते हैं, और ये सामने है कालेश्वर। तो कैसा लग रहा है यहाँ से नज़ारा? बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलो फिर चलें ऊपर से भी और अच्छा नज़ारा दिखाएंगे हम चारों तरफ का। पहुंच चुके हैं, यहाँ पर है प्रतीक्षालय, सरणा गांव का प्रतीक्षालय होगा। और यहाँ से तो कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं इस साइड तो हमारा गांव दिख रहा है, जो कि मैंने दिखा दिया है। और अब दिखाऊंगी मैं साइड का नज़ारा दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है बगड़, जो ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे है बगड़, और यहाँ पे है भेलकुड़ी। तो यहाँ पर भी मेरी एक फ्रेंड रहती है उषा, और ये है भेलकुड़ी। यहाँ की स्कूल भी दिख रही है, जो कि गुर्राम राय है, जो पहले थी। और तो यहाँ पे हार्क है, बेकरी है। तो यहाँ से दिख रहा है अच्छा सा भेलकुड़ी गांव है ये पूरा यहाँ पे। तो ये है मेरी फ्रेंड का घर यहाँ पे, जो दिख रहा है ये वाला है मेरी फ्रेंड का घर। और यहाँ पे स्कूल है, तो मेरे पिताजी ने 3-4 साल यहाँ पर भी पढ़ाया, और यहीं से पिताजी रिटायर आए। तो इस साइड भी है गांव, सरणा, डांडा, एरास, बहुत सारे गांव हैं यहाँ पर। अगर मुझे गांव का ढंग से, गांव के बीच जारी होगी सड़क, तो मैं भी पहली बार आ रही हूँ इस वाले रोड पे, अगर जैसा भी होगा मैं दिखाती रहूँगी। और वहाँ है आईकांडे, तो हमारा गांव कितना दूर है, और यहाँ से वहाँ तक मैं और मेरे भाई, मेरे पिताजी वहाँ पर भी थे टीचर, तो पिताजी वहाँ पर सिर्फ 2 साल रहे टीचिंग, और मैं और मेरे भाई वहाँ तक जाते थे पैदल सुबह के टाइम पे, सोमवार को, पता, सुबह 10 बजे तक वहाँ पहुँचना था, या जैसे सुबह की स्कूल रहती थी तब भी हम सुबह ही पहुँच जाते थे, मतलब उस समय हम 5 बजे उठते थे, तब जाके हम इतनी चढ़ाई चढ़ते थे। कहाँ है वो स्कूल, बाप रे, ये आईकांडे भी रहते थे हम, 1 साल रहे वहाँ पे, वहाँ के भी। तो आज देख के ही डर लग रहा है, अब तो रोड आ गई है, पहले हमने सुबह स्कूल लगने तक वहाँ पे पहुँचना भी था, तो कितने पहाड़ थे ऐसे करके, फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, और इस साइड है नीचे डाउन में हमारा गांव। तो जब छोटे रहते ना उस समय पता भी नहीं चलता है, आज लग रहा है कि चल जाएंगे क्या, आज हम इतना सोचते हैं, आज यहाँ आने के लिए हमारे पास गाड़ी है तो हमें अच्छा लग रहा है कि चलो घूमने चलते हैं। अब कोई बोलेगा यहाँ से वहाँ पैदल जाने का, तो 10 बार सोचना पड़ेगा।
तो यहाँ पर है सरणा गांव, ये देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये सरणा गांव है। इस वाले धार से दिख रहा है, हम आ गए हैं जो सरणा गांव है, सरणा गांव के जस्ट बगल इस वाले धार में, और यहां से गांव तो ऐसे दिख रहा है, तो यहां से शुरू है गांव। और यहां पे ये कौन सा गांव होगा यार, पूरा सरणा, पूरा सरणा ही होगा ना ये, तो मुझे लग रहा है ऐसे होगा, ये मल्ला सरणा या मूल्य सरणा कुछ ऐसी होगा। और इस साइड से ऐसा दिख रहा है गाँव का कुछ नजारा। क्या बोलेगी, मेरे क्लासमेट है ना, मतलब यही सहाते हो, हमारे गांव जाते हो स्कूल, इतना पैदल जाते हो आज धूप में है? इतने बड़े धूप में हाँ। आज तो कुछ नहीं, आज के डेट में कुछ नहीं है क्योंकि घर तक रोड आ गई है। तो कभी की यहाँ के लोग, मतलब हम भी जाते थे पैदल, हमें भी लगता था, पर हमारे घर से रोड बहुत नजदीक थी और यहाँ से अप डाउन करते थे, मतलब जो पढ़ते होंगे पहले हमारे साथ के, कहीं यहाँ पे क्लास में है तो वो पढ़ते होंगे, तो कितना पैदल आना जाना था यार। आज तो रोड घर घर में हर जगह पे रोड आ गई है। तो अभी हमने ना इस वाली रोड से जाना है, शायद अभी ऊपर देखते हैं कि कहाँ से कहाँ, तो इस वाली रोड से हमने इस वाले डांडा के पीछे जाना है। तो भी नहीं डांडा पता, चल पूछ लगे थे। तो रोड है ये तो शायद से आगे जिलासू के लिए जाते हैं, तो हमने इस वाली रोड से जाना है। तो पैनी कुजासू वाली रोड है ये, और रोड ना बहुत संक्रिय रोड है यहाँ पे, और ये शायद से जिलासू टच हो रही होगी वाली रोड जो सामने है। यह है डांडा गांव, जो कि मैं आई थी अपने गालों के लिए दवाई लेने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ताऊजी नहीं है घर पे, ताऊजी ने कहा कि नीचे सरणा गांव में जा रखे हैं वो काम से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कल सुबह आ जाएंगे। ये कह रहे कि अच्छा हुआ हमारा घूमना भी हो गया। मैंने कहा अच्छा हुआ मेरा भी घूमना हो गया है। और इन्होंने कहा तुमने पहले बात क्यों नहीं, मैंने हमने बात तो कर दी थी सुबह ही, पर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कल आना के। तो हमने कहा हमारा जो प्लान बना है हम घूम के आएंगे, तो अभी भी हम आगे जा रहे हैं घूमने के लिए। अब एक भतीजी ही अपने मामा की साइड ले लिया पेट्रोल का पैसा। निकी निकी देवली पैसा केविन कितनी यहाँ पे कितनी हवा आ रही ना, बिल्कुल ठंडी है ना यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा आ रही ना, एसी वाली हवा आ रही, बहुत प्यारा यहाँ से, मन ही नहीं कर रहा जाने का, कब से बैठे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से भी पता नहीं कौन कौन सा गांव है यार, इस साइड के गांव का मुझे पता नहीं है। जैसे हमारे गांव से आगे दिखते तो सब गांव का पता चलता है, और यहाँ हमारे गांव से पीछे है तो यहाँ का पता नहीं चल रहा है। पर यहाँ पर पता नहीं ये कौन सा गांव है। तो हम यहाँ से जाते, देखो कितना अप डाउन, इतने जो मैं कह रही थी ना कि आई कांडे, और इतने टॉप पे जाते थे हम उस समय स्कूल, उसमें 7-8 में थे हम। तो गाड़ी हमने लगा दी है यहाँ पे, और ये है लास्ट डेस्टिनेशन हमारा, जो हम कई बार सोच के पिछन कांडे के भी ऐसा नहीं बेटा, आराम से फिसल रहे इसमें ये। तो ये है पिरू, इसमें रड़ते हैं, इसमें बहुत भयंकर रड़ते हैं यहाँ पे। तो कितना सुंदर लग रहा है यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे, है ना निकी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ की हवा होगी। और ये देख सकते हैं, we'll be right back।
हमने एक दो रील्स बनाई और उसके बाद यहाँ से मैं अपने गांव का नज़ारा दिखाऊंगी और हर यहाँ से देखते हैं कहाँ कहाँ दिखता है। और ये निकी कह रही की बुआ यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है कि मैंने कहा चलो गए हैं, ये कह रहे की बुआ यहाँ से दिख रहा है सबसे सुंदर व्यू। केवी साइड ऊपर ऊपर हो जाओ बेटा, नीचे नहीं एक भी। फिर रोशन भाई और कुछ नहीं भाई, तो यहाँ से देख सकते हैं ये ऊपर है हमारा गांव और ये पूरा हमारा ही गांव दिख रहा है यहाँ से। अब हम घूम घाम के आए, अब ले रहे हम ठंडा का मजा और कुरकुरा और क्या क्या है, लिमका है हमने जो ला रखा था पूरा खाना पूरा खा लिया है। और इसको हमने जो रेपर है ये भी हम घर ले जाएंगे पूरा, तो कोई भी जहाँ भी खाना वाना खाते हैं तो इतनी अच्छी जगह को खराब ना कर, सही रखें। ये हम गाड़ी में रखेंगे उसको हम कूड़ेदान में डालेंगे। भाई जी कभी हम बाजार से खाना खोला जाते हैं आइसक्रीम वो हम बाहर नहीं, हमारी गाड़ी के अंदर सब पड़ा है। हाँ तो घर आके डस्टबिन में डाल देना। मैं लगी थे भाई अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत बड़े सोनाली कैसा लगा? बहुत ही आनंद आ गया यार, आनंद इतना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एसी लगी होगी, एसी की भी इतनी सुंदर हवा नहीं चलती, इतनी नेचुरल इतनी प्यारी हवा, मन ही नहीं कर रहा जाने का। अपनी गाड़ी का कूड़ा दिखाऊंगा जो हमने कल खाया। सुन तो देखिए भी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बस रड़ा घुसी में मेरा बहुत दर्द हो रहा है। आज इसने इतना रड़ा घुसी के लिए मैंने इसको पकड़ाया, ऐसा रड़ा है कि मुझे। यहाँ पे अब चलते हैं घर की ओर, नहीं जाना नहीं मुँह नहीं बुनो ना। तो ये कह रही बुआ घर जाने का मन नहीं कर, ये देख सकते कितनी हवा चली, मतलब बहुत प्यारी यार, इतना सुंदर जगह पर कौन छोड़ेगा यार। मन कर रहा ना यहीं पे घर बनाए यार और यहीं रहे, कितनी सुंदर शांत ना। सच में ना मुझे ऐसे ही लोकेशन अच्छा लगता है और बिल्कुल शांत हो। रोड भी है ही, अगर कोई है ना चाहता है तो अजय आना और कूड़ा मत फैलाना। हाँ सही बात, चले जब सच रहेगा ये भारत। गाड़ी रोक रखी है, ऐसा मत करना कमेंट की गाड़ी चला रहे, गाड़ी रोक रखी है।